वैश्विक महामारी कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को जिला प्रशासन ने गोद लेने का काम किया है, जिसके तहत कुल 137 बच्चों को गोद लिया गया है तथा इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी गोद लेने वाले अधिकारियों की होगी, जिसके संबंध में जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा कि कोरोना काल में कुछ बच्चों ने अपने माँ बाप दोनों को गंवा दिया, वहीं कुछ बच्चों की माँ या फिर उनके पिता की मृत्यु हो गई है। बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा एक योजना भी लागू की गई है, जिसके तहत उन्हें 4,000 रुपए मासिक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा जनपद के डीएम एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने अनाथ हुए बच्चों को गोद लिया है, जिनके लिए अधिकारी उनका ध्यान देंगे तथा उनके पैरों पर खड़े होने तक उनकी आर्थिक मदद भी करेंगे। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया कि अगर कहीं इस तरह के बच्चे किसी की जानकारी में हो तो जिला प्रशासन को सूचित करें, जिससे उन बच्चों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने कहा कि जो कितने बच्चे का, कुछ बच्चे का दोनों अभिभावक गुजर गए हैं कोविड से, कुछ बच्चे का एक अभिभावक गुजर गए हैं, हो सकता है वो रोटी का अर्जक भी है, यानी जो उन्हीं के वजह गुजारा चलती थी। वैसे टोटली 137 लोग थे, मतलब कोई ना कोई एक जो माँ बाप में एक कोई गुजर गए, और बाकी जो करीब तो 20 से 25 बच्चे हैं उसका डिटेल अभी भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, हो सकता है एक दो बच्चे छूट भी सकते हैं। वो बच्चे हैं, दोनों माँ बाप नहीं है। सरकार का एक अच्छा योजना अभी प्रारंभ हुआ है, बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री का बाल कल्याण योजना का अंदर, उसका अंदर उनका जो भरण पोषण के लिए हर महीने 4,000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो बच्चे का पढ़ाई का भी पूरा जो कितने खर्चा होता है वो शासन ही उठाएगी। उसके अलावा जो विभिन्न योजना है, जो लाभान्वित परक योजना होता है, जो उनका जो गोद लिया हुआ परिवार का जो उनका पट्टा देना है, राशन कार्ड देना है, आवास दिलवाना है, शौचालय दिलाना है, वो सारे योजना जो ऑनगोइंग योजना उसी से आच्छादित करेंगे। यानी ये बच्चे का हम संदेश देने चाहते हैं, बच्चे अनाथ नहीं है, बच्चे अकेले नहीं है, हम हैं। और हम लोग व्यक्तिगत रूप से एसडीएम और डीएम सभी लोग हम लोग कुछ बच्चे के गोद लिए हैं, और वो बच्चे का हम लोग अपने पटरी पे आने तक, यानी अपने खुद का पैर से खड़ा होने तक हम सहयोग करेंगे, उनका कुछ ना कुछ ज़िंदगी का एक रास्ता हम दिखा देंगे, वो सबका जिम्मेदारी। मैं आपसे अपील भी करने चाहता हूँ, हो सकता कोई बच्चे हम लोग का सर्वे से छूट गए होंगे, आपका संज्ञान में आता तो ज़रूर जिला प्रशासन को बता दीजिएगा। हम सबका कर्तव्य है, ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, एक तरफ से जनपद जो प्रशासन का बच्चे हैं, हम ही लोग का बच्चे हैं, अब सब लोग मिल के पालना है और उन लोग का एक स्तर तक पहुँचाना है, सबका जिम्मेदारी है। एक दिन दो दिन का मदद से ये बच्चे के पेट नहीं भरेगी, इनका कहीं ना कहीं ज़िंदगी तक हम साथ रहना पड़ेगा, वो संकल्प ले लेंगे। हम आज सुबह भी संकल्प लिए थे, जो कितने लोग कोविड की वजह तो अपने जान गंवा चुके थे, उन्हीं का प्रति हम लोग का संवेदनशीलता बढ़ना चाहिए था। और वो बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, किसी का माँ नहीं है, किसी का पाप नहीं है, उसी का उसी रूप में हम लोग वो बच्चे का गोद ले तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आप उपचार कर सकते, सहयोग कर सकते, वो ज़रूर करें। यही मेरा अपील है, निवेदन आपका।